हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमा जीशान व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी अभी मैं छोड़ के आई हूँ शान को स्कूल, और गर्मी से बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी मैंने ग्लासेस भी देखे सर पे लगाए हूँ, अभी अभी आई हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि सुबह 7-8 बजे इतनी तेज़ धूप है, तो दोपहर को क्या बनता होगा। शान को 12:30 छुट्टी होती है, उसका मुंह रेड हुआ होता है जिस टाइम आता है, और अभी भी मुंह रेड हुआ हुआ था। आज बहुत दिनों के बाद मैं स्कूल गई इसको छोड़ने के लिए, तो लगा पता गया बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा। तो देखें अब छुट्टियां कब तक होती हैं बच्चों को। वैसे पेरेंट्स को जाना चाहिए अपने बच्चों के स्कूल, खासकर मॉम को, ताकि टीचर से मिल के आए, अपने बच्चे की प्रोग्रेस पूछा करें। आप लोग भी लाजमी अपने बच्चों के लिए ना स्कूल जाया करें, और उनसे पूछा करें टीचर से कि क्या प्रोग्रेस है हमारे बच्चे की। तो मैं पानी शानी पी, तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ दोबारा। गर्मी से बहुत बुरी हालत हो रही है, मैं ज़रा पानी पी के, तो थोड़ी देर बाद आप देख रहे होंगे मेरे होंठ कैसे खुश्क हुए हैं। थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। एग शान भी आ गया स्कूल से, मैंने आपको बताया कि शान स्कूल से आता है तो ही मैं बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि वो सुबह से इतना करके नहीं जाता, तो जब वो आता है ना घर तो फिर हम सब नाश्ता करते हैं। तो ये देखिए तवा अंडा बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, बना रही हूँ नाश्ते के लिए। हम लोग तो चार खाएंगे और बच्चे खाएंगे ये, तो तकरीबन ये बन चुका है, इसको उतारते हैं और रोटी शोटी बनाए हैं, और शान आ चुका है स्कूल से तो अब नाश्ता करें। तो गाइस ये देखिए, शान के स्कूल से नोटिस आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिखा है। ये देखें, इसके स्कूल से ये नोटिस आया, डियर पेरेंट्स, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ईद मिलन पार्टी ऑन फ्राइडे 13th May। स्टूडेंट विल कम इन देयर ईद आउटफिट कलर ड्रेस अलॉन्ग विद सम ईटेबल टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स, रिगार्ड्स द स्टेम स्कूल ईस्ट कनाल कैंपस। तो एक ये आया है इसके स्कूल से, और एक ये नोटिस आया है, उन्होंने टाइमिंग बताई है, समर की टाइमिंग हो गई है इसकी 7:30 से 12:00 मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे की भी इसकी यही टाइमिंग है 7:30 से 12:00 तक। तो कल है इसके स्कूल में ईद मिलन पार्टी, और मैजिक शो भी है साथ। इसकी प्रिंसिपल का मुझे आया था मैसेज कि साथ मैजिक शो भी है, तो कल काफ़ी इसको मज़ा आने वाला है, वो बहुत एक्साइटेड है आज ही। शुक्र है अब तो खुद कहता है कि मुझे स्कूल जाना है और मुझे होमवर्क करवा दो, अब तो खुशी खुशी स्कूल जाता है, शुक्र है खुदा का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे फ्रिज कितनी ज़्यादा खोलते थे और आज मैंने क्या किया। ये देखें, आज हमने कूलर निकाल लिया क्योंकि बच्चे फ्रिज बहुत ज़्यादा खोल रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो कूलिंग इतनी होती नहीं है फ्रिज बार बार खोलने से, तो इसलिए आज हमने कूलर में बर्फ़ डाल दी है। और आज मैं पका रही हूँ मूंगी की दाल, रेड वाली जो होती है ना दाल, वो बना रही हूँ। इस टाइम ही बना लेती हूँ दोपहर के टाइम, क्योंकि शाम को फिर अंदर गर्मी बहुत हो जाती है, हॉल में बैठा नहीं। काफ़ी गर्मी है आज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पता एक भी नहीं लग रहा बाहर। और हमने आज जाना भी है शान की जूती लेने जाना है, इसके पास स्कूल पहन के जाने के लिए जूती नहीं है। और मैडम को भी हमने कॉल की कि ना इनका यूनिफॉर्म ना बहुत, आज इसकी मैडम को भी कॉल की, हेलो करो, इसकी मैडम को कॉल की कि ना इनका यूनिफॉर्म, ये भी आ गई हेलो बोलने। इसकी मैडम को हमने कहा कि यूनिफॉर्म काफ़ी इसका ना स्टफ़ थोड़ा सा मोटा है, तो कोई समर यूनिफॉर्म है तो बताएं। वो कहती कि आपका बच्चा जिस कपड़ों में कम्फर्टेबल है ना आप उसमें भेज दिया करें, शूज़ वगैरह ना पहनाए करें, सैंडल और घर के कपड़ों में, मतलब कि जैसे ये पहनता है टी शर्ट निकल वगैरह ना, इसमें भेज दिया करे। तो कल से अब ऐसे ही जाएगा, कल तो वैसे भी पार्टी है, विदाउट यूनिफॉर्म ही जाना है, और मंडे से भी ये विदाउट ही जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है तो उसमें बहुत इसको गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है सॉक्स में। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम करके तो फिर आपसे दोबारा। ये देखें गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने बना ली है मसरां की दाल, पता नहीं चलता रोज़ क्या बनाए, तो आज मैंने दाल ही पका ली है, 5 बज गए हुए हैं तो जल्दी बना लिया है ताकि यहाँ पे हॉल में ना गर्मी। अब मैं जा रही हूँ शान के कपड़े प्रेस करने ऊपर, क्योंकि मैं उन्हें कह रही थी नहा लो, उनके कपड़े काफ़ी गंदे हुए हैं, बच्चों के भी प्रेस करते हैं, शायद हम लोग शाम को इसकी सैंडल लेने जाएं, देखते हैं, पता नहीं कहाँ दोनों गए हैं, ये ना शान और काका अकेले ले आए, हमारी टेंट है फिश हो जाए।
देखती हूँ अभी कहाँ गए हैं ये लोग, बाहर ही कहीं गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े इस्त्री करके आती हूँ शाम के बच्चों के। गाइस शान को और काकी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी जूती लेने चला गया है खुद ही, मुझे नहीं लेके गया आज साथ, मुझे बता के भी नहीं गए कि कहाँ गए हैं। अभी तक उनको घंटा तो हो गया, अभी तक नहीं आए, तो इट्स मीन कि वो जूती ही लेने गए होंगे, पक्की बात है। तो चले खाना शाना मैंने बना लिया है, तो अब शान को स्कूल का काम करवाना है आता है, तो इसको स्कूल का काम करवाती हूँ। आज गर्मी की तो बहुत हद ही ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। पूरम को मैंने नहलाया और वो सो भी गई है, मिनट लगा सो गई है, तो अच्छी बात है सो गई है, नहीं तो ये इस टाइम कहते हैं कि हमने बाहर खेलने जाना है। बहुत अच्छा हुआ सो गई है, अब आराम से उनसे सोई रहेगी तो रात हो जाएगी, तो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत गर्मी में चाहती नहीं थी कि ये इतनी गर्मी में बाहर जाए। तो चलिए शान लोग आते तो मैं थोड़ी देर तक आपसे, हम लोग अब वॉक करने जा रहे हैं, मौसम शाम का टाइम है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वॉक कर आते हैं। शान घर नहीं है, अपने बाबा के साथ गया हुआ है, तो हम कॉलोनी में वॉक करने, हवा चल रही है। ये देखें गाइस राहुल बैठा हुआ है तार पे, लास्ट टाइम किधर गया, उड़ गया, इतना अच्छा लग रहा था, कहाँ पे चला गया। ये देखें चांद भी नजर आने लग गया, इस टाइम हमारी कॉलोनी में काफी उल्लू बैठे हैं।